भारती जी, हाँ शुरू हाँ करिए। हाँ हाँ ओके ओके। चलिए हम सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और 3 बार ओमकार करेंगे। तो एक सामान्य सांस भरे और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। और ओंकार के लिए लंबी गहरी सांस एक और सामान्य सांस भरी और धीरे धीरे। और जब भी अच्छा लगे, पूर्णता लगे, फिर अपनी आंखें हम खोल सकते हैं। तो आप सभी का इस इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? मस्त है? तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम कुछ ना कुछ आपके लिए नई जानकारियां लाते ही हैं। तो इस समय, इस बार हम पादाभ्यांग लाए हैं, है ना। मतलब पादाभ्यांग माने पाद, माने पैर, है ना। और अभ्यंग माने तेल या फिर घी की मालिश करना। वैसे तो आयुर्वेद की सभी आचार्यों ने दिनचर्या बताया हुआ है। हमने एक दिन दिनचर्या का भी सेशन लिया था, है ना। और फिर हमें कौन कौन सा तेल से मालिश करना चाहिए उसके अंदर कुछ दिनचर्या में बताया था, है ना। तो हम रोज शरीर में तेल लगाने व उसमें हमने क्या बताया था कि शरीर में रोज तेल हमें लगाना चाहिए, है ना, तेल की मालिश करनी चाहिए। लेकिन आपके पास यदि समय नहीं है, है ना, क्योंकि आज का समय जो बड़ा बिजी है, लोगों के लिए बिजी लाइफ है ना। तो इसका उपाय भी फिर उन्होंने आयुर्वेद में बताया है। उन्होंने कहा है कि सिर, कान और पाद, पैर, है ना, तो इन तीनों में हमें जरूर मालिश करना चाहिए, है ना। तो अभी हम देखते हैं पैर,
है ना। तो पैर के तलवों में हर रोज तेल लगाना चाहिए। पैर का तलवा जानते ही है, ये जैसे ये हाथ का है वैसी पैर के तलवे में या पूरे पैर में यहाँ तक घुटने तक हमको हर दिन तेल लगाना चाहिए, है ना। तो इसका उस असर जो है ना, इसका असर इतने में इतना ही लगाने से हमें इसका असर जो है वह पूरे शरीर पर दिखता है, है ना। तो इसका फायदा क्या है ना। तो मालिश कौन करे, है ना, कौन किसको किसको मालिश करना चाहिए, कब करें, और इनकी विधियां क्या है, और किन अवस्थाओं में पादाभ्यंग ना करें, है ना, मालिश ना करें, इन सब के बारे में आज हम जानते हैं। तो आचार्य, जैसे आयुर्वेद में आचार्य चरक जी ने बताया है कि पादाभ्यंग के फायदे बहुत हैं, है ना। अगर पैरों में रूखापन है, कभी कभी लगता है ना, एड़ी एड़ी के पास यदि हमारी एड़ियां फट गई हैं, खुरदुरी हो जाती हैं, तो एकदम इचिंग टाइप का कभी कभी लगता है और खुरदुरा खुरदुरा सा लगता है, रूखापन एहसास होता है कि रूखा रूखा लग रहा है ना। तो नित्य हमें पादाभ्यांग या मालिश करना हमारे लिए लाभ होता है। तो उससे क्या होता है, जहां पर एड़िया फटी होती है वहां पर तेल की मालिश करने से वो एक तो नरम भी हो जाएंगी और हमारे जो पैरों में थकान है ना, वो भी मिट जाएगी, है ना। तो पैरों की, और फिर पैरों में कोमलता आएगी, तेल लगने से चिकनाहट होगी तो रूखापन दूर होगा, है ना। तो हमारे पैर, दिन भर हम पैर के माध्यम से ही सारा काम करते हैं, इधर उधर जाते चलने का काम करते हैं, फिर खड़े रहते हैं, आजकल तो हम खड़े हुए ही खाना बनाते हैं, है ना। पहले के जमाने में लोग बैठ कर खाना बनाते थे, है ना, कहते थे कि बैठ के खाना बनाना अच्छा होता है, लेकिन आज का समय खड़े हो फिर बैठो फिर खड़े हो, इससे अच्छा तो लोग खड़े होकर ही खाना बनाते हैं। तो वो दिन भर जो खड़े रहते हैं ना, उससे भी पैर थकता है, है ना। और हम क्या करते हैं, एक ही दोनों एड़ी पर, दोनों फुट पर एक साथ नहीं खड़े होते हैं ना, कभी एक पैर में ज्यादा वजन डालते हैं तो कभी दूसरे पैर पे ज्यादा वजन डालते हैं, सबने महसूस किया है ना ये, है ना। तो ये भी बड़ा गलत है, जब हम खड़े होते हैं ना तो हमें दोनों पंजों पर एक समान ही वजन डालना चाहिए, है ना। तो उसमें भी ये तेल लगाने से, पादाभ्यंग में करने से बहुत ही फायदा होता है, नित्य तेल लगाना चाहिए हमारे पैरों पे, है ना। तो इससे क्या होगा, पैरों को बल मिलेगा, है ना, धैर्य आता है और वात का शमन होता है, यदि वात दोष है किसी को तो वात का शमन होता है। और यदि दिन भर हम काम करे हैं, खड़े हैं, इधर उधर चले हैं, तो जो दर्द होता है वह भी कम होता है तेल लगाने, तेल की मालिश करने से, है ना। तो अभ्यंग से आंखों का स्वास्थ्य भी सुधरता है ना। मालिश का एक जगह जब मालिश करते हैं ना, पूरे शरीर पर इसका असर दिखता है। अगर आपको आंखों में कुछ बीमारी है या ड्राइनेस है, जलन होती है, है ना, या हमारे चश्मे का नंबर ज्यादा है, तो भी नित्य हम पादाभ्यंग करने से इन सब में हमें लाभ मिलता है, है ना, नित्य ही पैरों की मालिश करने से। तो जो पैरों में तेल की मालिश करने से सभी प्रकार के जो वात दोष है ना, उनका शमन होता है। कमर से लेके पैर के तलवों तक का जो दर्द होता है वह भी, जैसे साइटिका वगैरह है, हम खड़े खड़े रहते हैं ना तो दर्द होता है ना, तो उसमें भी ये फायदा करता है। तो शरीर में यदि कहीं पर भी जकड़न है ना, तो भी हम पादाभ्यंग से बहुत ही फायदा मिलता है हमें पैरों की मालिश करने से। फिर जिनको नींद नहीं आती है उनको भी नित्य ही, या कम आती है उनको भी नित्य ही पैरों की अपने मालिश करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब हम पैरों की मालिश करते हैं ना, तो पैरों में हल्कापन सा लगता है, हल्कापन लगता, और जब हम पूरे शरीर की मालिश कर लेना तब तो फिर एकदम शरीर एकदम ही हल्का लगने लगता है ना। तो पर रोज के लिए आज के समय में संभव नहीं है, तो रोज हम
पैरों की तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो हम पैरों की मालिश है ये कब करें, है ना। तो हमें तो हर रोज ही पादाभ्यंग करना है, अभ्यंग माने तेल की मालिश करना, ठीक है। तो जब सुबह हम, या तो फिर हम जब सुबह नहाने जाते हैं उस समय भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जब कभी आपको दिन में फुर्सत है तो भी आप बैठे हुए हैं, यदि आप टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और फिर यह आप सबसे अच्छा होता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम जैसे गए बिस्तर पे तो उस समय हम अपने दोनों पैर पे मालिश कर लिया, घुटने तक का भी करें तो भी बहुत है, है ना। तो इससे क्या होगा, अच्छी नींद आएगी, है ना, और दिन भर की थकान जो है आपकी मिट जाएगी। और उसमें हम तेल या घी कुछ भी किसी से भी मालिश कर सकते हैं, वह भी तो फिर जब हम वो मालिश करेंगे ना रात को तो वो फिर रात भर हमारे पैरों में लगा रहता है। और जब हम यदि हम नहाने से पहले करते हैं तो कुछ ही देर करते हैं और नहा लेते हैं तो वो धुल जाता है, जब हम रात को लगाएंगे तो ये रात भर में कम से कम 5-6 घंटे तो लगे ही रहेगा, है ना। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हम जैसे ही सोने जाए तो रात को हम अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पादाभ्यंग जो है वो तेल की मालिश हम कैसे करना है, इसकी विधि क्या है। तो फिर पैर के तलवों में जो ऑयल लगाकर हम ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। और ये जो हमारी पिंडली होती है ना यहाँ पर उसको भी हम यहाँ से लेके नीचे से उठाते हुए ऐसे लगाते हैं, यहाँ से ऐसे, है ना। और अपने या फुट पे तो ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, और फिर अच्छा से हम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उसकी मालिश करते हैं, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर हम पहले पैरों पे तेल लगाएं और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसको ले जाते हुए अच्छे से मालिश करें, और ये हमारी पिंडली को भी अच्छे से मालिश कर लें, है ना। तो उसमें भी हमें और यदि तेल मालिश करके जब हम सोएंगे ना तो हमारी को एक तो नींद भी अच्छी आएगी, हमारी थकान भी मिटेगी और नींद गहरी आएगी, ऐसा लगेगा जैसे बस सोया है और फिर उठा, है ना, अच्छी नींद आएगी, रिलैक्स होकर सोएंगे, है ना। कभी कभी क्या होती है, यदि हमें पूरी नींद नहीं आती है तो सुबह में फिर हमें एसिडिटी सी लगती है ना, या कुछ ऐसा लगता है, तो भी ये लक्षण भी कम हो जाएंगे आपको, है ना। और मेंटल फिजिकली जो स्ट्रेस रहता है वो भी मालिश करने से कम हो जाएगा, है ना। तो मालिश हम खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी और से भी हम करवा सकते हैं। पहले के जमाने में क्या है, एक अभी भी गांव में अभी भी होता है पर कम हो गया, पहले वो जो नाई होते हैं ना जो बाल काटते हैं वो लोग, गांव में अभी भी होता है, वे तिल का तेल भी अच्छा है, मौसम के अनुसार है ना, गर्मी है तो फिर नारियल का कर लें, ठंडी है तो सरसों का तेल, तिल का तेल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यदि दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है पैरों में ना, तो फिर हम उसके लिए अभी और देखते हैं आगे फिर और कौन कौन से तेल हम लगा सकते हैं, है ना। तो जो बाल काटते हैं ना नाई, वो लोग सबके घर में जाते थे रात को, है ना, जितने भी बुजुर्ग होते थे उनकी वो तेल मालिश किया करते थे, है ना। तो तेल मालिश पहले के लोग करते थे और अब के हम सब भूल चुके हैं, है ना। तो अभी हम पूरे शरीर में ना करें तो पैरों में तो जरूर ही रात को सोने के समय हम करें, है ना। तो वो आपको फर्क जरूर दिखेगा, है ना? और कितना लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा, है ना। तो हम अपने लिए इतना करें, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा चीज उपयोग करें। तो तेल या घी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी भी हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, A2 देसी गाय का, है ना, A2 मिल्क से बना हुआ देसी गाय का ही घी हमें यूज करना है, है ना। और फिर यदि तिल का तेल है और फिर यदि पैरों में दर्द है या फिर
हमारे पास ये सब और तिल का तेल नहीं है, तो फिर हम नाव मेडिकेटेड ऑयल भी ले सकते हैं, जैसे है, हाँ अभी बताते हैं है ना, जैसे नारायणा तेल है ना, अपने श्री श्री तत्वा में मिलता है नारायणा तेल है, फिर महानारायणा है ना तेल, चंदन बाला, क्षीर बाला है, क्षीर बाला ऑयल है ना, तो ये सब भी हम ले सकते हैं, ये जो मेडिकेटेड है ये भी अच्छा है मालिश करने के लिए। अगर शरीर में कफ या वात दोष बढ़ा हुआ है ना, तो फिर तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं है ना, तो ये जो तिल का तेल है ना वो इसको इसका समन करेगी है ना। और यदि पित्त दोष बढ़ा हुआ है और पैरों में जलन है, तो गाय का घी हम इस्तेमाल कर सकते हैं है ना, गाय का घी ठंडा होता है, तो ये पैरों में यदि जलन है तो हम गाय के घी का मालिश कर सकते हैं। फिर जिन लोगों को काफी समय से जैसे डायबिटिक वगैरह रहते हैं, किसी किसी के पैरों में जलन होती रहती है ना, तो इस अवस्था में भी हम गाय के घी का घी को मालिश के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं है ना, उसमें भी उनको लाभ मिलता है। तो अब दे अभी हम जानते हैं कि पादाभ्यंग किसे नहीं करना चाहिए है ना, तो जिनका कफ दोष है ना, अजीर्ण है, पेट में मान लो खाना जो खाया है वह पचा नहीं है, या जिन्होंने पंचकर्म की चिकित्सा कराई है ना, तो उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि जब तक पेट का खाना ना पचे तब तक पूरे शरीर की मालिश ना करें, पर पैरों की हम कर सकते हैं। जब हम पूरे शरीर की मालिश करते हैं ना, तो हम साथ में पेट की भी करते हैं, तो उसमें नुकसान हो सकता है, तो उस समय हम सिर्फ पैरों की कर सकते हैं। फिर सभी उम्र की सभी अवस्था में हम ये पैरों पादाभ्यंग कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। तो आज से ही हम ये है हमारे पैरों की हम मालिश कैसे करें, किस तेल से करें है ना, तो आज से ही हम ये सब चालू करते हैं। यदि हमारे पास कुछ भी तेल नहीं है तो जो तेल है हम उससे ही शुरू करें है ना, और फिर इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान करेंगे ना, तो हमारे शरीर जो है वह रिलैक्स रहेगा है ना, तो हम सब इसे करें और देखें अपने आप में, जब आप करोगे तभी आपका अनुभव आएगा कि दिन भर से जो आपको थकान हुई है वो आप ऐसे रिलैक्स होकर आपकी नींद गहरी आती है ना, तो ये है तेल मालिश करने का फायदा, तो हम जरूर करें है ना, 10 मिनट ही लगेगा, हम इसको जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर मालिश करो तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर, ऐसे दोनों हाथों से करें और अपनी पिंडली तक का ऊपर ले गए ऐसा है ना, तो हमारी जो एनर्जी है वो भी ऊपर की ओर जाएगी है ना, ऐसे नीचे से नहीं। जब हम चेहरे की जब फेसियल वगैरह कराते हैं तो भी कहते हैं ना वो कि यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर करना है। ठीक है, तो मालिश हमेशा नीचे से ऊपर करें। ठीक है, तो आज से ही हम करके देखें, अनुभव में आएगा ना कैसे लग रहा है, इसी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर और आगे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो हम जरूर ये सब कर पाएंगे, एक मन में हम रखें कि हमें करना है। ओके, चलो, थैंक यू दूरा जी। हाँ कभी कभी गुनगुने तेल से भी हम कर सकते हैं गुनगुने तेल से, तो घी वगैरह का तो गर्म करने की जरूरत नहीं है, सरसों के तेल को हल्का गुनगुना हम कर सकते हैं, यदि कभी कभी ज्यादा दर्द होता है तो। हम पुराने जमाने में हमारे जो दादा नानी थे ना, ये लोग सब क्या करते थे, सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन की कलियों को, तेल को गर्म करते थे और उसमें अजवाइन और लहसुन की कलियों को डाल देते थे, जब वो उसमें पक जाता था फिर जब वो गुनगुना होता था तो फिर उससे भी मालिश करते थे है ना, पर अभी आप
सिंपल करके देखिए, फायदा होगा ही, जरूर होगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, दुरा जी अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू, बहुत काम की बात बताए रोज की तरह आज, फिर भी दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि मालिश नीचे से ऊपर करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग घरों में मेड्स आती है ना बाइया, ये सबके लिए मैं बता रही हूँ, बाइयों से मालिश करवाते हैं, और मैंने बहुत बार देखा है बाइयों को मालिश करना नहीं आता है। It has to be against the blood circulation. It should go towards the heart. हमें नीचे की तरफ टांगों में भी मालिश नहीं करना है, टांगों में भी करते हैं ना ऊपर की तरफ। तो आप देख लीजिएगा, आप अगर किसी बाई वाई से करवाइएगा मालिश तो ऊपर की तरफ हमेशा उसका स्ट्रेन रहना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। अब हम चलते हैं अपना होलिस्टिक कुकिंग की तरफ। I'll be highly obliged अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन करते हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए, तब बड़ा मजा आता है बोलने में। प्लीज थैंक यू सीमा जी, दिया जी आप भी करें प्लीज, अभी आपने किया था थोड़ी देर के लिए फिर बंद कर दिया। सीमा जी रखे रहिए ऐसे ही, आप फिर से बंद मत करना। जलपा जी थैंक यू, दिया जी आप भी अपना करिए ऑन वीडियो प्लीज, सब लोग करो। सपना जी थैंक यू, रिया जी, सपना जी आप भी करिए, विजय जी, विजय जी आप भी करें प्लीज। तो हम थैंक यू सपना जी। इसमें आज कुछ नए लोग भी हैं, किनका ये भारती जी का, भारती जी आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम क्या पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। ये इंट्रोडक्शन हम देते हैं ताकि आपका अगर कुछ गलत फहमियां हैं जो नॉर्मली होती हैं कि आयुर्वेदा का कोर्स कैसा होगा, फूल पत्तियां खिलाएंगे, टेस्टलेस खाना होगा, मुश्किल होगा, जस्ट टू टेल यू दैट नथिंग लाइक दैट, दिस खाना इज इक्वली टेस्टी, आपको टेस्ट में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, आप यू विल एंजॉय दिस फूड। तो हम, हाँ रिया जी आप मुझे दिख नहीं रहे हो, ये आयुर्वेदा का एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। हम ये इसलिए शुरू करते हैं आयुर्वेदा से क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। थोड़ा सा आपको नेचर के बारे में बताएंगे क्योंकि आयुर्वेदा पूरा ही नेचर का समान करके एक ज्ञान है, एक नॉलेज है जिसमें नेचर इज द फोकल पॉइंट, हमें नेचर से मिलके रहना है। तो आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज, तो ये पूरा लाइफ साइंस है, साइंस ऑफ लाइफ और नॉलेज ऑफ लाइफ, वॉट एवर यू मे कॉल इट, वॉट एवर यू लाइक। सिंपल है कि ये हमें ज्ञान देता है जिंदगी कैसे जीनी है, और उसका एक एस्पेक्ट है खाना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि खाना यानी कि फूड, खाना हमको बहुत जरूरी है। फूड इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, है ना, हमारी सबसे ज्यादा ताकत किससे मिलती है हमको, अपने खाने से। इसलिए हमें अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, जो हमको ग्रोथ दे, जो खाना हमको आगे बढ़ाए, हमको ग्रोथ दे, हमको स्ट्रेंथ दे और हमको हेल्दी रखे, उसको हम फूड बोलते हैं। बाकी चीजें जो हम फालतू की खाते हैं वो फूड नहीं होता है। ठीक है, तो फूड कैसा होना चाहिए,
ये हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। हम आपको कैसे बताएंगे, हम जो है ना, हम इंसान जो ह्यूमन बीइंग है, हम तीन प्रकृतियां होती हैं हर एक इंसान में, चाहे वो आदमी हो औरत हो, क्योंकि हम पैदाइशी ये तीन प्रकृतियां लेकर आते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास तीन गुण दोष होते हैं, वाता पिता एंड कफा, किसी की, ये तीनों हमारे में होती हैं और ये तीनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों ही हमको चलाती है, ये सब काम करती हैं, जो कुछ हम करते हैं वो सब काम ये प्रकृतियां करती हैं। तो अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, तभी इनको दोष बोला जाता है, पित्त दोष, वात दोष, कफ दोष। और हम बीमार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? हम बीमार होते हैं जब हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, गलत कुछ खाते हैं। मैक्सिमम बीमारियां जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ डाइजेशन में जो भी इम्बेलेंस हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हमने गड़बड़ कर दिया तो बीमारियां निश्चित है। तो हमको क्या करना है, ये जो वात पित्त में दोष आ जाता है, अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो समझ लीजिए सिर दर्द ही हुआ, छोटी सी बात है। तो सिर दर्द क्यों हुआ हमको, ये हमको पता चलेगा अगर हम अपने खाने के आइटम्स में जो कुछ भी हम पेट में डालते हैं उसका ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखना हमको सिखाएगा ये कोर्स। पहले ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है, उसके लिए आपको आयुर्वेदा डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, नाड़ी परीक्षा करते हैं, वो चेक करते हैं हमारे नाड़ी मींस ये जो वेन्स चलती हैं हमारी, उनसे उनको हमारी प्रकृति पता चल जाती है। फिर उस प्रकृति को जब आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा और स्टेबिलिटी रहेगी, मेंटल फिजिकल इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। तो वो खाना हम आपको बताएंगे कि इस प्रकृति के लिए, समझ लीजिए वात प्रकृति के लिए क्या खाना है, नॉर्मल जब वात बैलेंस में होता है, जब हम स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ जब हम है, तीनों प्रकृतियां बैलेंस में है, तो हमें क्या खाना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हम आपको देंगे। दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर इनमें इम्बैलेंस आ गया, हमने कुछ गलत खाया तो थोड़ा इम्बैलेंस आ गया, पेट में दर्द हुआ, सिर दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द है, तो उस समय क्या खाना चाहिए, समझ ले वात में इम्बैलेंस आया, दैट मीन्स एग्रीवेट हो गया, बढ़ गया, तो उसको शांत करने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तीनों प्रकृतियों के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना कम करना चाहिए और कौन सा खाना कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति भी आ गई, सपोज द सिचुएशन इज दैट कि आपको कुछ चीजें बंद करनी पड़ेगी, तो वो भी हम बताएंगे कि कुछ दिन के लिए ये मत खाइए, या कोई चीज मॉडरेशन में खाइए, कम खाइए, कुछ चीजें ठीक से खाइए, ये सब हम आपको तीनों प्रकृतियों के लिए बताएंगे। क्योंकि ये कोर्स हम जो वी आर बेस्ड ऑन दीज प्रकृतिज, ये सारा कोर्स इन प्रकृतियों के लिए ही है। फिर आपको जब हमने आपको बताया कि आपको ये पता चल गया कि आपका कौन सा खाना है, फिर आपको ये देखना है, आजकल बहुत लोगों को डिफिशियंसीज होती है ना, पुराने जमाने में डिफिशियंसीज नहीं होती थी, क्योंकि घर में खाना खाते थे सब लोग, घर का खाना और प्रॉपरली कुक्ड नेचुरल वे में, जैसा नेचर हमसे एक्सपेक्ट करता है वैसे खाना बनता था। पर हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल गया कि हमारा सब कुछ बदल गया, हमारा फोकस चेंज हो गया, गुड हेल्थ से हटकर हम लोग टाइम के पाबंद हो गए, गलत टाइम, मतलब लेडीज भी काम पे जाने लगी, घर के सब लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े काम पे जाते हैं, तो फोकस हो गया कि हम जल्दी जल्दी खाना कैसे बनाएं, तो मेथड्स ऑफ कुकिंग भी बदल गए, उनके बर्तन भी बदल गए,
जल्दी खाना जो तैयार करे वो भी हो गए, है ना। हर जब जैसी चेंज आती है उसके साथ सब कुछ बदल जाता है, मगर उस समय हमें ये ध्यान नहीं रहा क्योंकि अनअवेयरनेस थी कि ये जो कुकिंग मेथड्स है इनसे हमारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। खासकर कुकर में खाना बनाने से सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है और जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, विद द रिजल्ट हमारे में कमियां आती है, किसी में विटामिंस मिनरल्स। धीरे धीरे जब ये कमियां सेटिंग हो जाती हैं, फिर बीमारियों का जन्म होता है या फिर हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जो कि ठीक नहीं होता है। उस सब को रोकने के लिए हम आपको बताएंगे कौन से कुकिंग मेथड्स ऐसे हैं जो आपके आपको पौष्टिक आहार देगा, जिसमें पौष्टिकता मिनिमम से मिनिमम नष्ट होगी, बहुत मिनिमम नष्ट होगी, मैक्सिमम बचेगी। वो जब आप ये काम करेंगे, ये इसको अडॉप्ट करेंगे, वो आपको खुद पता चलेगा कि आप कितनी ज्यादा पौष्टिकता बचा सकते हैं अपने खाने की। और उसी समय जब हम ये खाना शुरू कर देंगे, हमारे दोष, हमारे जो विकृतियां आती है, बीमारियां जिनको हम बोलते हैं, उनका पतन होना लगेगा। हम बीमार नहीं होंगे, हम बीमार सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर पौष्टिक आहार नहीं जाता है। दूसरा, एक तो पौष्टिक आहार जाता नहीं है, दूसरा हम बाहर का जो खाते हैं, ये दो बॉम्ब्स हैं। एक तो पौष्टिकता भी नहीं मिलती अपने जो बनाते हैं, और बाहर से जो लाते हैं उसमें टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं, तो वो भी हमको बीमार कर देते हैं। तो हम ये आपको इस कोर्स में बताएंगे कि हमें किस कुकिंग मेथड को इस्तेमाल करना है ताकि हमारी पौष्टिकता बचे और हमें एक न्यूट्रिशियस खाना मिले। होलिस्टिक मींस जो हर एक तरह से हमको स्वस्थ रखे, इमोशनली भी स्वस्थ रखे, फिजिकली भी स्वस्थ रखे, मेंटली भी स्वस्थ रखे, स्पिरिचुअली भी और सोशली भी। ऐसा होता है होलिस्टिक खाना, होलसम खाना इज पौष्टिकता भरा खाना। फिर आयुर्वेदा में टाइम को भी बहुत महत्व दिया है। आप लोग देखते हैं नेचर है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। ये जो आजकल बहुत बीमारियां फैल रही है, किस वजह से फैल रही है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया, मगर हमको ध्यान नहीं रहा, हम नेचर से अगेंस्ट गए। जो भी हम अभी कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इट कीपिंग इन व्यू द नेचर, वी बिलोंग टू दिस नेचर, हम नेचर के अगेंस्ट गए। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है, जब मन आया तब खाते हैं, जब मन आया तब सोते हैं। आप देखिए नेचर, ब्रह्मांड में हर कोई चीज पांच तत्वों से बनी है, हम भी उन्हीं पांच तत्वों से बने हैं, जिन पांच तत्वों से खाना पीना बना है, जिन पांच तत्वों से कीड़े मकोड़े बने हैं, बड़े जानवर छोटे जानवर, परिंदे पेड़ परिंदे, सब्जियां फल फूल। सो वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। फर्क ये है कि हम बोल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट टॉक। हमको भगवान ने, वी आर द मोस्ट प्रिविलाइज्ड एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम, जिनको चॉइस है, we can choose what we want. तो इसी वजह से हम अपना लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। अभी हम फिर से बदल सकते हैं फॉर अच्छाई के लिए, क्योंकि अभी का जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं है सेहत के लिए, खासकर किसी भी ढंग से ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, हम आजकल देखिए इतना हम लोग आगे निकल गए कि हमें टाइम का कुछ नहीं है, जब मन आए तब खाना खाते हैं। सब लोग देर से खाना खाते हैं मोस्टली, और फिर देर से सोते हैं। मगर ये जो नेचर है ना, जैसे हर बाहर विंटर आता है अपने टाइम में, बरसात आती है अपने टाइम में, गर्मियां अपने टाइम पे आती हैं। बरसात नहीं आएगी बरसात के मौसम में तो पेड़ पौधे नहीं उगे, अनाज नहीं उगेगा, तो नेचर अपना काम करता है। इसी तरह हमारे अंदर भी टाइम है, एक साइकिल ऑफ टाइम है, जब हमें खाना खाना है, वो बॉडी को पचाना है और फिर पचा के उसको एसिमिलेट करके उसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में।
ये सब बॉडी को करना पड़ता है ताकि हम स्वस्थ रहें, और ये साइकिल चलता रहे। बहुत काम करना पड़ता है हमारी बॉडी को, मगर हम चूंकि अनअवेयर है इस सिस्टम से, हमको जब मन आता है खाते हैं, नहीं आता है हम नहीं खाते हैं। तो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में कि कब आपको ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, कब आप लंच खाएंगे और लंच में आप क्या खाएंगे, आप कब डिनर खाएंगे और डिनर में आप क्या खाएंगे। जब ये आप टाइम से खाएंगे ना, तो आपका सेहत इतना अच्छा रहेगा, यू विल बी द हेल्दीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। क्योंकि व्हेन थिंग्स डोंट हैपन, समझ लीजिए आप ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपका काम पूरा अच्छे से नहीं, पहले तो बॉस से, बॉस की चार बातें सुननी पड़ती हैं, नो, एंड अदरवाइज इफ एवरीथिंग हैपन्स ऑन टाइम एवरीथिंग इज फाइन। सो दैट टाइम टेबल विल बी गिवन टू यू बाय अस, हम आपको वो टाइम टेबल देंगे ताकि यू ईट व्हेन यू शुड ईट एंड यू ईट व्हाट यू शुड ईट, राइट। So you are having nutritious food also, and you are having food on time also. दो बातें हो गई हमारी, और आपको you know what you is good for you. Thirdly क्या होता है, हमारे पास और तीन प्रकृतियां हैं जिनको गुण कहते हैं, सत्वा, रजस एंड तमस। सत्वा सब में होता है जब हम पैदा होते हैं, हम सब सात्विक होते हैं, प्योर। बच्चे को देखिए आप, ऑब्जर्व द चिल्ड्रन, वो दिल में कुछ नहीं रखते, उनको कोई क्लेश नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे थोड़ी देर में फिर प्यार से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनमें सत्वा बहुत होता है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो दुनियादारी भी चलानी है, तो थोड़ा सा हमारे में रजस भी बहुत जरूरी है, यू विल नो व्हाई रजस इज जरूरी, और सत्वा तमस में जा सकते हैं। खाने के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा खाना सात्विक है, कौन सा खाना राजसिक है, और कौन सा खाना तामसिक है, जिसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू रेफ्रेन फ्रॉम गोइंग इनटू दिस तमस। फिर आता है, कभी कभी हम मिक्स्ड खाना बनाते हैं, क्योंकि मिक्स्ड खाना टेस्टी बनता है, दालें मिक्स करते हैं, अनाज मिक्स करते हैं, वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं, या कभी कभी फ्रूट्स भी मिक्स करते हैं, मगर हम अगेन बिकॉज वी आर अनअवेयर, हमें पता नहीं है। देखिए, हमारी सबसे दोस्ती हो सकती है क्या? हर कोई से दोस्ती नहीं होती ना, हमारी दोस्त भी हमारे इने गिने होते हैं, ज्यादा हो कम हो, पर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जैसे हैं, हम जिनसे मिल सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो वेजिटेशंस हैं, प्लांट किंगडम जो है, वो आपस में सबसे दोस्ती नहीं कर सकते। और हम जब मिक्स्ड खाना बनाते हैं, मेनी अ टाइम्स इट सो हैपेंस कि वो आपस में विरुद्ध होते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, कई अनाजों की आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, और कई फलों की भी नहीं होती है कंपैटिबिलिटी, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। सब कोई चीज जल्दी पच जाती है, कोई देर से पचती है, ठीक है। तो जब हम इन सब को मिला के कुछ बनाते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए विरुद्ध आहार हो जाता है, दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, वो हम आपको कोर्स में बताएंगे, और उनसे हम बचेंगे कैसे, वो भी हम आपको कोर्स में बताएंगे, कि हम अपनी फेवरेट चीजें खाएंगे कैसे खाएंगे, कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बदल के, जो ये विरुद्ध इंग्रेडिएंट होता है उसको निकाल देते हैं, उसमें कोई कंपैटिबल वाला इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, वो चीज वही बनती है और हमें बीमारी नहीं होती है। ये इसलिए है कि ये ज्यादातर बाहर बच्चे, बड़े भी स्नैक्स खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, मगर विदाउट नोइंग कि ये उनके लिए विरुद्ध है। तो हम आपको ये बताएंगे विरुद्ध आहार कौन कौन सा है और किस किस चीज को नहीं मिलाना चाहिए, ये भी हम आपको कोर्स में बताएंगे। फिर आता है, आजकल एसिडिटी बहुत चली हुई है, क्योंकि बाहर का खाना जो खाते हैं
बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं, मसाले होते हैं, काफी सारे मसाले होते हैं, क्योंकि चीज को टेस्टी बनाने के लिए कुछ ज्यादा मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो उससे दैट गिव्स राइज टू एसिडिटी। एसिडिटी से हम कैसे बचेंगे? विदाउट टेकिंग एलोपैथिक टेबलेट्स, अल्कलाइन वाटर से। तो अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं? अल्कलाइन वाटर हम आपको बताएंगे, सिरदर्द के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या डालना है। अगर हमारे पास कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, उसमें कौन सा अल्कलाइन वाटर पियेंगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, या इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कौन सा चीजें डालेंगे अपने पानी में जो हम पियेंगे, और हेडेक के लिए कौन सा अल्कलाइन वाटर लेना है, तो ये हम सब आपको बता देंगे उसमें। फिर आते हैं टेस्ट। टेस्ट भी होते हैं सारे, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कसेला है और कड़वा है। ये सारे टेस्ट हमको खाने होते हैं, मगर हम लोग अक्सर सबको एक आध टेस्ट अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता उसको हम देखते भी नहीं, मगर ये गलत है, क्योंकि जो चीज आप ज्यादा खाएंगे, आप मीठा ज्यादा खाएंगे या तीखा ज्यादा खाएंगे जो कि जनरली होता है, या किसी को खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है, उससे भी हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकृति में दोष आ जाता है अगर आप एक ही चीज पे कंसंट्रेट करेंगे। वो हम आपको बताएंगे कि किसके ज्यादा खाने से किस प्रकृति में दोष आता है, और किसके कम खाने से किस प्रकृति में दोष आता है, और वो दोष हम कैसे ठीक करेंगे वो आपको बता, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस प्र जब किसी में इम्बेलेंस आता है तो हमें क्या क्या खाना खाना है। ठीक है, तो ये हो गया अल्कलाइन वाटर। फिर आते हैं हमारे जनरली समझ लीजिए, हमारा जो किचन है ना, इंडियन किचन, दिस इज अ फार्मेसी, पूरी फार्मेसी है, सब कुछ हमको मिलता है वहां पे। मसाले हमारे जो स्पाइसेस हैं, हर्ब्स भी होते हैं, जैसे तुलसी है, जावित्री है, ये सारी चीजें होती हैं, और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमको मदद करती है हमारी बहुत सारे एलिमेंट्स को दूर रखने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है किसी को, अस्थमा है किसी को, अस्थमा के लिए, अस्थमा, आई शुड टेल यू दैट अस्थमा इज बहुत कॉमन है ये, बट इट इज क्योरेबल, इट इज क्योरेबल इफ यू टेक द प्रॉपर एक्शन। तो हमारे किचन में अस्थमा को भी कंट्रोल करने के लिए चीजें हैं जिससे वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और धीरे धीरे इफ यू कंटिन्यू विद परहेज जिसको बोलते हैं, तो वो फिर ठीक हो जाता है। और दूसरा मैं बताऊंगी, अस्थमा में हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, ये मैं बाय द वे बता रही हूँ, साइड का है, और तभी हमको सांस ठीक से नहीं आती है। इसको ठीक रखने का एक और तरीका है जो कि आपको मिलेगी आर्ट ऑफ लिविंग में, सुदर्शन क्रिया से। जिसने भी सुदर्शन क्रिया किया है अस्थमा वाले ने, उनका अस्थमा बिल्कुल 100% ठीक हो गया है, क्योंकि वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है। और हमारे जो टॉक्सिन्स हमें खाने के साथ मिलते हैं, जो हमारा एलिमिनेशन है टॉक्सिन्स का, वो किससे होता है ज्यादा? लंग्स से 90%, 80%, 70 से अबव, 80-90% तक हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं लंग्स से एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेकर लंग्स उनको ऑक्सीडेशन करता है, हमने वहां पे जो जो भी गंदगी होगी, और एज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देता है। तो ये सुदर्शन क्रिया करने से हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हमारे किचन में जितने मसाले हैं वो
आपको मदद करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीसेप्टिक है, कहीं पे जख्म लगा है, कहीं पे कुछ लगा है, एंटीबैक्टीरियल है, कोई घाव पक गया है, बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए, ये सब चीजें उनसे ठीक होती है। वायरल को जितने कुछ मसाले हैं जो आपको तैयार करते हैं वायरल से फाइट करने के लिए, कि कैसे हम उसको ज्यादा बुरा असर ना पड़ने दे। फिर कंटेजियस डिजीजेज आती है, संक्रमित, जिसको जैसे ये अपना कोरोना है, ये भी कंटेजियस था। इन सब चीजों से बचने के लिए हमारा कौन से खाने हैं ताकि हम उसको दूर रख सके, ये सब आपको अपने किचन में मिलेगा। दिस ऑल इज इन अवर किचन, ठीक है। उसके बाद जनरल आते हैं जो होलसम खाना होता है। जब हम, आपने देखा हो कई लोग आपको दिखते हैं रास्ते में या जान पहचान में भी, आप कमेंट करते हैं हम कि ये बंदा जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका नेचर अच्छा नहीं है, कहते हैं ना, या ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है। दीज आर द कमेंट्स वी हियर, और हम भी कहते हैं। या कोई बड़ा शांत है, ये सारे लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो होलसम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं। और इस पोर से आपको, जब आप अपनी प्रकृति जान जाएंगे, उसके साथ आप और दो प्रकृतियों के बारे भी में जानेंगे। क्योंकि समझ लीजिए आपके घर में बहन है, भाई है, तो होते ही है बहन भाई, मम्मी पापा, कम से कम चार बंदे तो होते ही है घर में। तो आप को जब पता चलेगा कि अगर कोई चिल्लाता है वो क्यों चिल्लाता है, क्योंकि वो किसी प्रकृति का टिपिकल प्रॉपर्टी है। अगर कोई किसी की बात नहीं मानता, वो भी एक टिपिकल प्रॉपर्टी है, वो भी प्रकृति की वजह से। कुछ कमियां हैं किसी में, कोई चुपचाप बैठा रहता है, तो वो भी एक प्रकृति का प्रॉपर्टी है। जब आप ये सब प्रॉपर्टी जान जाएंगे ना, तो आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उनको यू वॉन्ट बी जजमेंटल कि अरे ये चिल्लाता है, ये बात नहीं ठीक से करता है, ये काम नहीं करता है, मेरी बात नहीं, मेरी छोटी बहन मेरी बात नहीं सुनती है। आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, इन द सेंस कि ये कोर्स करने से सबसे पहला क्या बदलेगा आप में, आपका एटीट्यूड टुवर्ड सिचुएशंस, किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा। और घर में भी बहुत शांति आती है जब लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप ये प्रकृति की वजह से है। आप धीरे धीरे बता दोगे घर वालों को कि ऐसे ऐसे, आप भी होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करो, आपको भी पता चलेगा अपनी प्रकृति। और सच में फर्क पड़ता है, जब हम शांत स्वभाव के बनते हैं, जब हम एक्सेप्टेंस आती है लोगों को, एक्सेप्टेंस मींस उनको हम क्या बोलते हैं, मानते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, जैसे भी हैं ठीक है, हमारे अपने हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप की सारी बीमारियां उससे खत्म हो जाती है। क्योंकि आप जहां पर पॉजिटिविटी होती है ना, अगर आप कितना भी होलिस्टिक खाना खाएंगे, कितना भी ताकती न्यूट्रिशियस 100% खाएंगे, मगर आप में नेगेटिविटी होगी, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है, वी हैव टू बी पॉजिटिव। और ये खाना आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको एक पॉजिटिव ह्यूमन बींग बनाता है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपन्स टू अस व्हेन वी डू दिस कोर्स, कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशंस, हालात उनसे मुकाबला करते हैं हम बहुत अच्छे से, विदाउट गेटिंग एंग्री, गुस्सा करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत कामली क्वाइटली वी फेस द सिचुएशंस, ठीक है। सो दैट इज, दैट वॉज द होलिस्टिक approach to life.
which is very cool and calm. It gives you calmness, you become cool, you become tolerant to others. आप में acceptance आ जाती है लोगों को बर्दाश्त करने की. तो ये course, अब next जो हमारा course हो रहा है वो हो रहा है 9, 10, 11 जुलाई को. दो बैचेस हो रहे हैं, एक है 3 से 5 और दूसरा है 7 से 9 शाम को और दिन का 3 से 5. तो आप लोग आइएगा, नो फॉर योर सेल्फ जो कुछ हमने बोला है, यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स. बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा आपको, बहुत फायदा होगा. ठीक है, any questions, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ लीजिए प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन. सुमन जी, सपना जी, आप अनम्यूट करिए अपना आपको, ये ऑडियो वीडियो ऑन करे प्लीज. सुमन जी आप पहले भी आए हो, आप बंद आपका ये. सोनिया सबको एक बात करते हैं सबसे. सोनिया जी सोनिया जी गिरजा जी होंगी क्या, लग रहा आज नहीं हो पा रहा है. अनम्यूट करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. आशा करती हूँ कि मैंने कुछ जो भी बताया मैंने सही ढंग से बताया आप लोगों को. आप उसको उस पर सोचोगे, एक्सेप्ट करोगे और कोर्स में जरूर आओगे. ये चांस ना बार बार नहीं मिलता है. और ये कोर्स अभी इसका जो डोनेशन है आधे से कम हो गया है, 1200 है. नहीं तो नॉर्मल इसका 3000 होता है जो ऑफलाइन होता है. क्योंकि ये ऑनलाइन है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो इसका 1200 करना. हाँ जी हाँ, सुमन सुमन कुमारी उनको अनम्यूट करिए. रीना जी करिए उनको अनम्यूट, शी वांट्स टू से समथिंग. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव बेटा, बोलिए. मैम मेरा ये फर्स्ट चांस है, मैंने ये फर्स्ट बार ऐसा ग्रुप मैंने ज्वाइन किया जैसे मुझे नॉलेज मिल रही है. आज आपने पहली बार ज्वाइन किया, दैट्स वेरी गुड. सो होप यू गॉट समथिंग गुड. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा नॉलेज है ये नॉलेज होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए. और होलिस्टिक कुकिंग एज इट इज देखा जाए तो छोटी सी चीज है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है जो हमारी सेहत को हमेशा अच्छा रहेगा. फिर आप खुद समझ जाओगे कि कितना आपने पाया. ठीक है, तो आते रहिएगा, रोज आ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आते हैं. और मन बना लीजिए रजिस्टर करने का. और 9th, 10th, 11th को कोर्स है जिसमें यू विल भी आप अलग से, हम क्या हम आपको दिखा नहीं सकते, पर हम आपको दिखा सकते हैं आपसे ही कि आप कितने खुश होंगे लास्ट डे के दिन. लास्ट डे के दिन हमारे स्टूडेंट्स इतने खुश होते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं किया, एवरीबडी सेज सो. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ले आइए क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं. जितने अभी कोरोना का ये एक फायदा हुआ कि लोगों को बहुत फायदा, ये कोर्सेज हमने बड़े किए मोस्टली ऑफलाइन में. शायद हमारी रीच इतनी नहीं हो जाती है लोगों तक, मगर यहाँ से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच गए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आते रहिएगा और अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाइएगा, अपने घर में जो भी है जान पहचान सबको थोड़ा सा मिले. और हमारी रेसिपीज जो है वो आपको बताएंगे, हैरान हो जाओगे, अच्छा ऐसे भी बनता है चीज,
आपकी जो फेवरेट चीजें है ना खाने की, जो मैदे से बनती हैं या बेसन से बनती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं अच्छी चीजों से जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं करती, वो आपको दिखाया जाएगा। रोज 3 घंटे का कोर्स, 2 घंटे का कोर्स है, 3 to 5, हाँ 2 घंटे का कोर्स है, तो आधा घंटा होता है कम से कम, हाफ एन आवर फॉर रेसिपीज, 4-5 रेसिपीज रोज मिलती हैं, बना के दिखाते। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। चले रीना, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके, अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ खोलिए अपना वीडियो। रीना जी, हाँ हाँ बोलिए, बंद करना है? बंद करना है। थैंक्स, हाँ हाँ ठीक, वेरी मच, ओके, गॉड ब्लेस यू।